हेलो हेलो आप सभी को, तो आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी ना यहाँ पे दोपहर के 2 बज रहे हैं और जैसे कि अभी क्रिसमस आने वाला है, तो मैं अभी बच्चों को खिला पिला के और हस्बैंड घर पे लेके, तो मैं बोला ठीक है आप घर पे रह लो, मैं थोड़ा सा मॉल घूम के आती हूँ, क्योंकि मुझे ना बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह, उनके टॉय और चॉकलेट्स वगैरह जो क्रिसमस के लिए होता है, ऐसा कुछ शॉपिंग करनी थी। तो मुझे लगा चलो मैं अकेले ही जाती हूँ, वरना बच्चे तो देख लेंगे तो फिर उतने इतना कुछ सरप्राइज नहीं लगेगा। और ये मैं हर बार करती हूँ ऐसा क्रिसमस में, फिर जिस दिन क्रिसमस होता है तो वो देखते हैं, उनके बहुत खुश होते हैं जिस बच्चों का होता है। तो चलिए अभी तो यहाँ पे बाहर में इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, तो लगता ही नहीं है जो विंटर का सीज़न है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप है। तो बस मैं अभी जस्ट मॉल में आ गई हूँ और मैं अभी बच्चों के लिए शॉपिंग अभी स्टार्ट करूँगी और मैं आपको भी दिखाऊँगी जो मैंने क्या क्या ले रही हूँ बच्चों के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर मॉल में और फिर वहाँ मिलते हैं आपसे। क्योंकि अभी क्रिसमस का सीज़न है तो यहाँ पे आज मतलब केक की, पेस्ट्री की बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी थी, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये कप केक्स और ये पेस्ट्री का। मैंने सोचा ये मैं बच्चों के लिए ले लेती हूँ, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे देख के, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सब ना बहुत मतलब बास्केट और उसके अंदर ढेर सारी मतलब गिफ्ट एज अ गिफ्ट आइटम ऐसे सजाया हुआ रहता है, क्योंकि क्रिसमस है तो इस तरह यहाँ पे बहुत आपको आइटम मिल जाएंगे गिफ्ट करने के लिए। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ फूड सेक्शन में आ गई, थोड़े से फ्रूट्स वगैरह और जूस वगैरह भी मुझे देखने थे, साथ ही कुकीज़ वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम थे। तो जितना हो सके पॉसिबल मैं उतना सोच रही थी कि ले लेती हूँ जितनी वैरायटी है यहाँ पे कुकी वगैरह, और जो होगा तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे फिर मैं धीरे धीरे ये सब देख के फिर यहाँ पे शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा फिर उसके बाद मैं टॉय खरीदूँगी, तो बस यहाँ पे टॉय के लिए भी बच्चों के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे। तो चलिए आप बने रहिए ब्लॉग में और मैं यहाँ पे देखती हूँ और फिर मैं खरीदती हूँ बच्चों के लिए, देखती हूँ कौन कौन से टॉय लेती हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने टॉय बाय कर लिए, अभी खरीदी हो लेकिन उन्हें अभी दिखाना नहीं है, बस उनसे छुपा के रखना है और फिर कभी रात में बैठ के सबको गिफ्ट रैपर लेना है, उससे रैप कर देना है। तो चलिए अभी बाकी की और मैंने जो शॉपिंग की है अब उन्हें भी करना है। और ये देखिए ये रहा मेरा ट्रॉली, तो यहाँ पे बच्चों ने कैंडी जूसेस और ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्लोथ वगैरह भी सारे मैंने अभी यहाँ पर रखी थी, तो ये सब अभी मुझे भी और भी बाकी का नीचे बिल कराऊंगी और फिर उसके लिए घर पे अब निकलूंगी। तो अभी चलिए अभी घर जाके, काफ़ी लेट भी हो चुका है घर जाके, और बच्चों की तो क्रिसमस की शॉपिंग नहीं, बट मैंने जो क्लोथ्स वगैरह लिए ये मैं आपको दिखाऊंगी। आप क्रिसमस की जो शॉपिंग की है वो बच्चे उस दिन जब खोलेंगे तभी दिखाऊँगी, नहीं तो वरना सब अभी पैकेट मुझे खोल के फिर दिखाना होगा। तो चलिए अभी हो गया है अब मेरा शॉपिंग, बाकी का अभी पे कर लेती हूँ और पे करके फिर मिलती हूँ आपसे घर जाकर। और अभी यहाँ पर रात के करीब 8 बज रहे हैं, मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, थोड़ी फ्रेश होके फिर मैंने चाय वगैरह पी लिया है और अब मुझे कुकिंग करना है और घर की थोड़ी सी क्लीनिंग भी करनी है। और यहाँ पर ये बच्चे अपना कलर करने में बिजी हैं, ये देखिए यहाँ पर बच्चे अपना
कलर कर रहे हैं। दृष्टि ने यहाँ पे क्रिसमस ट्री बनाया, देवांश यहाँ पे कुछ बना रहा है। वाह, बस बच्चे अभी अपने काम करने में बिजी हैं और हस्बैंड बाहर गए हैं, तो चलिए अभी मैं फटाफट पहले किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे डिनर के लिए एक सिंपल सी एकदम आलू की सब्ज़ी बनानी थी, तो मैंने आलू पहले ही उबालने के लिए यहाँ कुकर में रख दिया था। तो अब मैं यहाँ पे आलू प्रेशर कुकर से बाहर निकाल रही हूँ। उसके बाद मुझे एक ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी है जो एकदम सिंपल सी है, मुझे इतना अभी कुछ बनाना नहीं था, बस ये सब्ज़ी बना लूँगी तो आज का डिनर हो जाएगा। तो डिनर बनकर मेरा रेडी हो गया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये देखिए एकदम सिंपल सी एकदम ये आलू की मैंने सब्ज़ी बना ली है, ग्रेवी वाली जो चावल के साथ खाना है। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कैबेज की सब्ज़ी और ये दाल और ये चावल मैंने बना के रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे 9 बज रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ बच्चों को जो चलो कलर डन करो। दृष्टि अभी भी बिजी है कलर करने में। और ये देखिए इन्होंने किस तरह से पूरा टेबल पूरा ऐसा फैला रखा है, और मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ये बना रही है अभी, उसका डन नहीं हुआ है, तो बोल रही मम्मी वेट कर लो थोड़ा सा ये डन हो जाए तब। और इन्होंने ये पूरा भी टेबल फैला रखा है, तो अभी मुझे पहले क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे जो है इनका मैं यहाँ पे डिनर लूँगी। और ये देखिए मैंने यहाँ पे टीवी के पास ये क्रिसमस ट्री यहाँ पे सजा के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा स्टार ऐसे सीधा कर दूँ, हाँ ये देखिए ये एकदम छोटा सा क्रिसमस ट्री मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये यहाँ पे मैंने पूरा ऐसे डेकोरेशन किया हुआ है क्रिसमस का, ये देखिए पूरे सेंटा है और पीछे का जो डेकोरेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, और ये लाइट्स यहाँ पे है। अभी मैं थोड़ा दृष्टि के लिए 10 मिनट वेट कर रही हूँ क्योंकि दृष्टि ने बोला पहले मेरा फिनिश होने दो, उसके बाद में हम डिनर करेंगे। तो कोई नहीं, अभी दृष्टि अपना काम कर रही है, तब तक मैं यहाँ थोड़ा सा बालकनी में आके बैठ जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बालकनी से रात का कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे लाइट्स जल रहे हैं, पूरा ये सिटी व्यू लग रहा है। और स्विमिंग पूल भी दिखाती हूँ मैं आपको, और ये देखिए यहाँ पे बालकनी से स्विमिंग पूल दिख रहा है। अभी ये देखिए यहाँ पे लोग अभी भी स्विमिंग कर रहे हैं, रात के 9 बज रहे हैं। और ये देखिए वो वहाँ पे उस तरफ जो दिखाई दे रहा होगा लाइट्स, तो ये सब अभी न्यू ईयर और क्रिसमस के वजह से यहाँ पे पूरा यहाँ पे लाइट्स के डेकोरेशन करके रखे हुए हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ी देर यहाँ 10 मिनट बैठ जाती हूँ बालकनी में, हवा अच्छी आ रही है, और उसके बाद फिर दृष्टि का जैसे होगा तो उसके बाद डिनर ले लूँगी उनका और फिर मिलूँगी मैं आपसे। और हमारा डिनर अब हो चुका है, तो डिनर करने के बाद मैंने ये पूरा किचन सब पूरा साफ़ कर दिया है, जो पूरे मतलब किचन क्लीन हो चुका है। अब अभी मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है, बच्चे भी अभी सोने चले गए हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे रात में करीब ये देखिए 11 बज रहा है, तो बस अब यही है। तो अभी मेरा सब काम हो गया है डन, तो चलिए मैं अभी आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो बस वही है, मैं सिर्फ टॉय का पैकेट आप कॉलिंग्स दिखा देती हूँ। इस बेडरूम का भी मैंने लाइट बंद कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे एक स्टोर रूम टाइप का है ये, जो यहाँ पे मैं बॉक्स वगैरह आयरन टेबल ये सब रखती हूँ। और ये देखिए मैंने पैकेट रख दिया है, देखिए ये इसको मैं रैप करूँगी तब। और एक दूसरा पैकेट यहाँ पे है, तो इसमें सारे गिफ्ट्स हैं, तो ये मैं अभी नहीं, मैं बाद में बैठ के रैप करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ जो आज मैंने क्या क्या ख़रीदा है। मैंने जो टॉय ख़रीदा था उसे तो मैंने उसी तरह से पैकेट में डाल के स्टोर में रख दिया है। तो और मैंने वहाँ पे कपड़े भी थे, तो मैंने सोचा चलो आई हूँ तो देख लेती हूँ, क्योंकि अभी क्रिसमस न्यू ईयर की छुट्टियाँ चल रही बच्चों की, तो स्कूल अभी तो बंद है, तो हो सकता है अगर हम बीच में कहीं घूमने के लिए भी जा सकते हैं। मैं सोचा आई हूँ तो चलो थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है, तो बस यही है। तो चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाला टी शर्ट जो है ये मैंने हस्बैंड के लिए लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर, उन्हें भी बहुत पसंद आया ये कलर। और ये भी मैंने एक टी शर्ट लिया है उनके लिए, उसके बाद ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है दृष्टि के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ क्रॉप टॉप जैसा है, अब पीछे में नॉट लगा हुआ है। और इसके ना यहाँ के मतलब ये मॉल के ना ये देखिए यहाँ के फैब्रिक बहुत अच्छा है, एकदम कॉटन है, तो मैं बच्चों के लिए बहुत मतलब स्पेशली देख के ही लेती हूँ, जो कॉटन अच्छा होना चाहिए और फैब्रिक की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए जिससे बच्चे कम्फर्टेबल फील करें। तो ये एक मैंने येलो कलर का टी शर्ट लिया,
और ये देखिए ये यहाँ पे ये कुछ फ्रॉक पैटर्न का है, तो ये पर्पल कलर का है, उसे पर्पल कलर बहुत पसंद है। पिंक भी है बट वो बोलती रहती मम्मी पर्पल कलर पर्पल, तो ये मुझे पिंक है तो ये मैंने लिया। और इसके साथ ही ये देखिए मैंने यहाँ पे तीन लेगिंग्स लिए उसके लिए, ये देखिए पिंक कलर का है। और ये सारे ना एकदम देखिए प्योर कॉटन के हैं एकदम, ये पिंक कलर का है और ये भी ये थोड़ा सा ब्लू है और ये भी ब्लू है, ये डार्क है और ये थोड़ा सा अलग ब्लू है। ये तीन लेगिंग्स है उसके। उसके बाद मैंने रिवांस के लिए देखिए यहाँ पे ये वाला ये ट्राउज़र लिया, ये पैंट है और ये भी दो कलर कॉम्बिनेशन भी, ये भी प्योर कॉटन का ही है, ब्लू है और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन ऐसा डिज़ाइन है। तो ये डेली वेयर के लिए बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो ये मैंने एक यहाँ पे लिया है। और उसके यहाँ पे टी शर्ट देखिए, उसके बाद मैंने थोड़ी अपने लिए भी शॉपिंग की है, तो ये देखिए ये लिया है मैंने टी शर्ट अपने लिए, ये देखिए ना थोड़ा थोड़ा सा ग्लिटर जैसा लग रहा है ना, ये मैंने अपने लिए लिया है। उसके बाद में ये टी शर्ट मैंने अपने लिए लिया, इसका डिज़ाइन और इसकी जो फैब्रिक है ये देखिए बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, तो ये जो क्रेप फैब्रिक होता है ये कुछ उसी पैटर्न का फैब्रिक है, तो इसकी फैब्रिक और मुझे ये डिज़ाइन बहुत पसंद है, तो ये मैंने एक अपने लिए लिया है। और एक ये मैंने ब्लू कलर का, और यहाँ पे एक ये मैंने अपनी रेड कलर कर लिया, तो ये तीनों की फैब्रिक जो है एक ही क्वालिटी की है, देखिए बहुत सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने ये तीन टॉप लिए। और एक ये टॉप लिया है मैंने अपने लिए, इसका मुझे कलर स्पेशली एक कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये देखिए साइड में ऐसा फ्रिल बना हुआ है और ये देखिए यहाँ पे ऐसे नॉट लगा सकते आप, तो ये मैंने किया। उसके साथ ही साथ ये देखिए मैंने शिव क्रिस्टी के लिए लिया है, उसे बहुत पहन के चलती है तो इसमें लाइट जलती है, तो ये देख के बहुत खुश हुई, बहुत पसंद आया। और एक ये मैंने ब्लू कलर का भी लिया है, मुझे ना इस तरह के मतलब चप्पल्स बहुत अच्छी लगे कि मतलब आप बीच पे जा रहे हो तो कुछ इस तरह का अगर हो, या आप घर में भी पहन सकते हो, बहुत अच्छा होता है, कंफर्टेबल रहता है, तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए मैं इसलिए बताऊँ को, तो इसलिए मैंने ये भी अपने लिए लिया, मुझे बहुत पसंद आया ये। एक मैंने ये मैंने दृष्टि के लिए लिया है, तो सेम ही है बस ये यहाँ पर ये देखिए ऐसे बना हुआ है और ये रेड कलर का है, तो ये दृष्टि का है और ये मेरा। तो बस इतनी ही शॉपिंग मैंने की, तो बस अब ये मेन तो टॉय का ही शॉपिंग था कि क्रिसमस आ रही है तो बच्चों को कुछ देना चाहिए, और फिर कैंडीज़ वगैरह वो भी मैंने ले लिए, कुकीज़ वगैरह वो सब मैंने साइड करके भी रख दी है, वो सब ऑब्वियसली मैं आपको 25th को तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग अब यहीं तक, और मिलती हूँ आपसे अपने एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।